चीनी मिल के खिलाफ होशियारपुर मुकेरिया मातारानी चौक जालंधर पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग मुकेरिया प्रशासन और जीएम मुकेरिया चीनी मिल से मिल चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जबकि चीनी मिल मुकेरिया पर चीनी मिल का करीब 150 करोड़ रुपए बकाया है। किसानों के मुद्दे को आर्थिक मंदी से बाहर निकाला जाना चाहिए और जिस सरकार ने CAN अधिनियम बनाया था उससे किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ। सरकार से व्यक्तिगत हस्तक्षेप के माध्यम से किसानों को गन्ने का तत्काल भुगतान करने की मांग की। देखो जी, किसान ने अपनी फसल जी बच्चों को पाल के ते इस मिल विच मकेरिया मिल विच वेची है, जिहड़ी कि अज पेमेंट 150 करोड़ रुपया किसान का जिहड़ा मिल वाल बकाया रहिंदी है, वह केन एक्ट मुताबक 14 दिन के नहीं पा रहे, जिहदे करके अज राष्ट्रीय मार्ग जाम किया गया। जेकर ये मिल मैनेजमेंट साढ़े खातों में पैसे जोड़े आ रूटीन में नहीं पाँदी, उन्नी देर तक ये जो धरना अणमिथे समय लिए बंद रहे। मतलब जो पेमेंट लैनी पैंती धरने लगाए जाते हैं, की कारण है, सरकार क्यों नहीं कर दी भी एक बार जो फसल सुट दो तो उस वेले पेमेंट क्यों नहीं होती? ये जी गल इस तरह है कि जी समय की सरकार होंगी है, जिदा पहलिया सरकार लंघ गई, ये सरकार जी है वो मिली भुगत होंगी है, तो जी अज समय की सरकार है उन्हों साडी किसानां वल्लों जिहड़ी आ सख्त चेतावनी है कि जदों तक किसानां दा 150 करोड़ रुपया जिहड़ा आ वो केन एक्ट मुताबक किसान खात्यां दे विच नहीं आ जांदा, असीं इह चक्का जाम नहीं खोलांगे। बेशक सानूं एक दिन जाम करना पवे, 2 दिन जां 10 दिन करना पवे, असीं जिहड़ा आ नैशनल हाईवे जाम रखांगे। इहदी जिहड़ी जिम्मेवार है गन्ना मिल मैनेजमेंट मुकेरियां ते होशियारपुर प्रशासन ते पंजाब सरकार होवेगी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतिह। लगभग 150 करोड़ रुपया शुगर मिल मुकेरिया के वल है, तो 35 रुपये जोड़े सरकार ने देने हैं किसानों के इंसेंटिव, वो सारा जोड़ा वो पूरा सरकार वाले जोड़ा बकाया पिया। दसंबर महीने जी 1 सितंबर तो मिल चालू है, तो 22 मार्च तक मिल जी चल गई, जिद एक भी रुपया किसानों के खात्या जोड़ा वो नहीं पाया गया। सरकार ने जो केन एक्ट बनाया से वह कोई फायदा मिल रहा थोड़ा कि नहीं? बिल्कुल नहीं जी, वो केन एक्ट इस तरह का भी थले केन एक्ट है वो उपर जी लैमीनेशन किया हो, क्योंकि पावर सेंटर सरकार ने अपने को ले लिया केन एक्ट जो पंजाब का है वो उपर एक लफाफाबंदी की हुई है जी कि आपस में एक दूजे का जोड़ा कलैश बन दी, तो केन एक्ट जोड़ा मौके पर जोड़ा है वो सरकार ने पूरी तरह जो तहस नहस किया हो, तो 14 दिन की पेमेंट जी केन एक्ट के मुताबिक बिल्कुल नहीं मिल रही। मिल मैनेजमेंट जो प्रशासन अधिकारी कोई नहीं आता तो अगली रणनीति की होगी? जेकर नहीं आता कोई भी अधिकारी, सारी जिम्मेवारी जी सरकार दे सिर को होगी, किसान जेड़े आ निरंतर जेड़े आ धरने के रूप दे विच सड़क च बैठे रहेंगे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए होशियारपुर से पंकज कुमार की रिपोर्ट।